Hey guys, I am Bhagyashree. Welcome to Cook with Shagun. तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बबल्स चॉकलेट। जी हाँ, जो डेरी मिल्क सिल्क आती है बस वही हम आज बनाने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, 300 ग्राम मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। आप कोई भी कंपनी का चॉकलेट कंपाउंड यहाँ पे ले सकते हो। तो इसको मैंने अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया है क्योंकि हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट हम जितनी छोटी छोटी कट करेंगे उतनी हमारी चॉकलेट जल्दी मेल्ट हो जाती है। यहाँ पे सारा चॉकलेट कंपाउंड है उसको मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ पे एक बड़े से बाउल में उसको ट्रांसफर कर लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे सॉस पैन में 2 ग्लास पानी मैंने उबालने के लिए रख लिया है और यहाँ पे जो बाउल था हमारा वो सॉस पैन पर रख दिया है। यहाँ पे क्या करना कि हमारा जो बाउल है वो सॉस पैन के अंदर जो पानी है उसको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उसकी स्टीम से ही हम यहाँ हमारी चॉकलेट मेल्ट करेंगे और चॉकलेट जब भी मेल्ट करे तब चॉकलेट को हमें चलाते रहना है। तो हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे 150 ग्राम मेल्टेड चॉकलेट को मैंने दूसरे छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ी चम्मच पानी डालूँगी। पानी डालने से क्या होगा कि हमारी चॉकलेट है वो डो फॉर्म में आ जाएगी। इससे हम हमारी जो चॉकलेट के जो बॉल्स है बबल्स है हम इसी से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच मैंने पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे ये एकदम गाढ़ा होने लगेगा। आप देख सकते हो कि हमारी जो चॉकलेट थी वो एकदम डो फॉर्म में आने लगी है। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें से बॉल्स तैयार करेंगे और हमें यहाँ पे बॉल कोई परफेक्ट साइज़ के नहीं चाहिए, छोटे बड़े हम उसी तरह के बॉल्स तैयार करेंगे। तो चलिए पूरे बॉल्स हम तैयार कर लेते हैं। बॉल्स यहाँ पे मैंने तैयार कर लिए हैं, उसको एक साइड रखूँगी और जो हमारा आधा मेल्टेड चॉकलेट था उसमें यहाँ पे मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे कोई भी चॉकलेट मोल्ड का यूज़ नहीं कर रहे हम, तो मैंने क्लिंग रैप लिया है और उसको अच्छी तरह से मैं केक टिन के आजू बाजू पूरी तरह से उसको कवर कर लूँगी, एकदम टाइट कवर करना है। तो बस इसके ऊपर मैंने 2 बड़े चम्मच मेल्टेड चॉकलेट ले ली है और इसको हमें एक बार की तरह स्प्रेड करना है। जैसे हम चॉकलेट बार बार से लाते हैं तो उसका शेप कैसा होता है, बस उसी तरह का हमें यहाँ पे उसको शेप देना है। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से मैं उसको फैला रही हूँ, आप अच्छी तरह से उसको स्प्रेड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जो शेप है अच्छी तरह से चॉकलेट बार का दे दिया है, हमें ये पतला भी नहीं रखना है और मोटा भी नहीं रखना है। तो बस इसको हम 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के बाद हमारा जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो चॉकलेट बॉल्स तैयार किए थे वो यहाँ पे हम अरेंज कर लेंगे।
सारे चॉकलेट बॉल मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं और उसके ऊपर हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट थी उसको मैं डाल रही हूँ। उसको ऐसी तरह डालना है कि जो हमारी चॉकलेट बॉल्स है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। हमें यहाँ पे एक थिन लेयर तैयार नहीं करना है, जस्ट चॉकलेट बॉल को हमें कवर ही करना है। तो अच्छी तरह से मैं चॉकलेट को इसके ऊपर डाल रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको हम टिश्यू पेपर की मदद से क्लीन कर लेंगे साइड में से। आप थोड़ा सा टैप करते जाओ और इसी तरह से चॉकलेट ऊपर डालते जाओ तो अच्छी तरह से हमारी चॉकलेट है वो अंदर तक चली जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, साइड में जो चॉकलेट लगी हुई है उसको मैं टिश्यू पेपर की मदद से क्लीन कर रही हूँ। तो बस हमें अब इस चॉकलेट को सेट ही करना है। तो आप क्या करिए, इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। तो हमारी ये बबल्स चॉकलेट एकदम रेडी हो जाएगी। तो 10 मिनट के बाद हमारी चॉकलेट एकदम सेट हो चुकी है। तो ये क्लिंग रैप है, हम धीरे से उसको निकाल लेंगे और इसके ऊपर से हम चॉकलेट को भी रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे हमारी बबल चॉकलेट एकदम रेडी है खाने के लिए। आप इसको क्या करिए कि जो किनारे में जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको चाकू की मदद से हटा लीजिए और एक अच्छा सा उसको फिनिशिंग दे दीजिए। बस यहाँ पे हमारी बबल्स चॉकलेट एकदम रेडी हो चुकी है। आप इसको ऐसे पैक करके गिफ्ट भी किसी को कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।